नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। लखीमपुर खीरी में घर में एलपीजी सिलेंडर में भीषण आग लग गई और इस घटना में लाखों रुपए का घरेलू सामान जलने की आशंका है। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी आग बुझाने में जुटी रही। गोला गोकर्णनाथ कोतवाली इलाके की यह पूरी घटना है। तो इस घर में आग लग गई, सिलेंडर फटा। हालांकि किस तरीके से उस सिलेंडर ने आग पकड़ी इसका कारण अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जुटी रही हैं आग को बुझाने में। आसपास लोग दहशत में आ गए, काफी सारे घर उस घर से ही लगे हुए हैं जहां पर ये आग लगी और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इस दौरान इसकी आशंका जताई जा रही है। औरैया में प्रेमी के हत्या मामले में पुलिस ने उसकी प्रेमिका और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। मृतक सागर के मामा की शिकायत पर पुलिस ने गुलशन नामक महिला, उसके पति रहीश और देवर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने गुलशन और रहीश को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने हत्या की बात कबूल कर ली है। हत्या की वजह गुलशन के पति रहीश और सागर के बीच रंजिश रही। पत्नी की दूसरी नजदीकी रहीश को रास न आई और उसने इस खूनी खेल को अंजाम दिया। दिनेश शाके से अपडेट लेते हैं। दिनेश, बताइएगा किस तरह इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस ने किया। आप तक आवाज पहुंच रही है दिनेश? लगता है फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यह मर्डर हुआ। पति ने पत्नी के साथ मिलकर मार डाला। अवैध रिश्ते के चलते जान ले ली गई एक शख्स की। परिजनों ने 3 लोगों पर केस दर्ज कराया था और अब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। औरैया की यह घटना हिंदू लड़के की हत्या का आरोप है। मुस्लिम महिला से उसका अफेयर चल रहा था। पति ने पत्नी के साथ मिलकर मार डाला। अवैध रिश्ते के चलते जान ली गई। पुलिस की तरफ से यह दावा किया गया है। परिजनों ने 3 लोगों पर केस दर्ज कराया था। तो औरैया की यह घटना, प्रेमी भी शादीशुदा और प्रेमिका भी, मुस्लिम महिला से अफेयर चल रहा था हिंदू लड़के का, और कहा जा रहा है कि पति ने पत्नी के साथ मिलकर मार डाला लड़के को। लड़के के घर वालों ने 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। औरैया की यह घटना है। दिनेश शाके से एक बार फिर बातचीत की कोशिश करते हैं। दिनेश, क्या वाकया है पूरा और किस तरह पुलिस पहुंची आरोपियों तक? असल में जो घटनाक्रम देखा गया है और पुलिस की तरफ से जो पड़ताल सामने आई है, उसमें ऐसा कहा गया है कि औरैया के तालेपुर गांव के एक बाजरा के खेत में एक शव बरामद हुआ है, जिसकी पहचान सागर यादव के रूप में की गई है। 28 अक्टूबर को ये शख्स अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आया था। मुस्लिम प्रेमिका वहां विवाद हुआ है पति से और प्रेमिका से, और उसके बाद सागर यादव की हत्या की गई है। 31 अक्टूबर को शव बरामद किया गया था। पुलिस ने गहनता से और सरगर्मी से जांच की है और जांच के बाद पुलिस ने नतीजे पे पहुंची है कि मुस्लिम प्रेमिका ने अपने पति के साथ मिलकर के हत्या की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद में दोनों की गिरफ्तारी की गई है। दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यह मर्डर हुआ और पुलिस ने अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महोबा में गुटखा खाने की शिकायत परिजनों से करने पर छात्रा ने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कबरई थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां बद्री सिंह इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा के बैग में टीचर को गुटखे का पाउच मिल गया था और इसको लेकर टीचर ने क्लास में उसे डांट दिया और बाद में परिजनों को बुलाकर उसकी शिकायत की गई। पिता ने भी दोनों को डांटा और इसके बाद घर आकर उसने मौत को गले लगा लिया। अयोध्या में बेटे ने मां बाप की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि करवा चौथ के दिन पत्नी व्रत में थी, नशे की हालत में वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी से कहासुनी हो गई। मां बाप ने दखल देते हुए बीच बचाव की कोशिश की तो आरोप के मुताबिक बेटे ने फावड़े से हमला कर दिया और हत्या के बाद से आरोपी बेटा फरार है। थाना इनायत नगर इलाके की यह वारदात है।
रायबरेली में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब रोका तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। घायल 3 बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया। पुलिस को इन बदमाशों की काफी दिनों से तलाश थी। पकड़े गए बदमाशों से एक मारुति कार, 24,000 रुपए नकद, 3 तमंचे और कई कारतूस बरामद किए गए। मैनपुरी में एलाऊ थाने के बाहर महिला की तबीयत बिगड़ गई। जानवरों को लेकर 2 पक्षों में विवाद के चलते ये महिला थाने पहुंची थी और पुलिस दोनों पक्षों से 2 लड़कों को थाने लाई थी और शांति भंग की कार्रवाई कर रही थी। उसी सिलसिले में महिला भी थाने पहुंची, लेकिन अचानक महिला की तबीयत बिगड़ गई और उसे इलाज के समय ले जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ दिया। आरोप है कि झगड़े के दौरान महिला के साथ जमकर मारपीट की गई और यह भी आरोप है कि थानाध्यक्ष ने पीड़ित महिला के साथ भी बदसलूकी की। माता जी को अमित और उनके परिवार ने मारा था और उनकी माता जी थाने के पास आई थी, उसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ी थी। उसके बाद छोटे खुद लेके एम्बुलेंस से इनको इलाज कराने के लिए जिला चिकित्सालय लेके आ रहे थे। रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई है। उनका आरोप था कि अमित उनके घर वाले ने उनकी माता को मारा है, इसलिए उनकी मृत्यु हुई है। उधर बागपत में खेत में महिला का जलता शव मिला है। पुलिस ने आग बुझाकर शव को कब्जे में लिया। पहचान मिटाने के लिए शव जलाने की आशंका है। शहर कोतवाली इलाके की यह घटना है। आग लगने से शव 80% तक जल गया है, जिसके चलते पहचान करने में मुश्किल हो रही है और आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव को जंगल में लाया गया और पहचान छिपाने के लिए आग के हवाले कर दिया गया। और बहराइच में कुत्तों के नोचने से एक बंदर की मौत हो गई और उसके बाद ग्रामीणों ने हिंदू रीति रिवाज से बंदर के शव का अंतिम संस्कार किया। ग्रामीणों ने बंदर की शव यात्रा भी निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे और ग्रामीण शामिल हुए और राम नाम लेकर हत्या का उद्घोष करते हुए बंदर के शव को मिट्टी के अंदर दफनाया। और खबर वाराणसी से, आईआईटी बीएचयू में छात्रों का हंगामा। 2000 से ज्यादा छात्रों ने हंगामा किया। दरअसल एक छात्रा से छेड़खानी का विरोध इन सभी लोगों ने किया। लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। तो 2000 से ज्यादा छात्रों ने हंगामा किया, एक स्टूडेंट से छेड़खानी का विरोध किया गया। आईआईटी बीएचयू में छात्रों ने प्रोटेस्ट किया है। 2000 से ज्यादा छात्र इकट्ठा हुए हाथ में प्लग कार्ड लेकर और उन्होंने एक छात्रा से छेड़खानी का विरोध किया। लंका थाने में यह केस दर्ज करवाया गया है। अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। रवि पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, क्या अभी प्रोटेस्ट चल रहा है? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल, प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है और प्रोटेस्ट काफी विरोध काफी ज्यादा हो चुका है। 2000 से अधिक संख्या में छात्र पूरे आईआईटी बीएचयू कैंपस में उतर चुके हैं सड़कों पर, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे और इस बात की मांग कर पंचल है उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए और इसके साथ ही जो बाहरी तत्व विश्वविद्यालय के अंदर आते हैं उन पर तुरंत रोक लगा जाए। आईआईटी बीएचयू के कैंपस को सील करने की बात को मांग को लेकर के छात्र विरोध कर रहे हैं और यह कहना है कि पहली बार इस तरीके से आईआईटी बीएचयू कैंपस में छात्रा के साथ छेड़खानी की घटना हुई है। बाकायदा मंचलों में बीच सड़क पर रोका है छात्रा को और उसके साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया है। बहरहाल छात्रों को समझाने की प्रक्रिया शुरू है। प्रोक्टोरियल रोड मौके पर पहुंचा हुआ है और पुलिस आश्वासन दे रही है कि जल्द से जल्द मंचलों को पकड़ लिया जाएगा। बिल्कुल, पुलिस आश्वासन दे रही है कि जल्द ही मंचले गिरफ्त में होंगे और दूसरी तरफ 2000 से ज्यादा छात्र हैं जो इकट्ठा होकर मामले में जल्द कार्रवाई के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका रवि। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के रंग मंडप परिसर और फर्स्ट फ्लोर के बीच लगे दरवाजे की एक्सक्लूसिव तस्वीर आई है। राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर में लगने वाले दरवाजे में सोना जड़ा होगा। दिल्ली के 12 कारीगर मंदिर के दरवाजों को स्वर्ण जड़ित करने में जुटे हैं। आपको बता दें, ग्राउंड फ्लोर पर गर्भगृह समेत कुल 14 दरवाजे लगेंगे। तो राम मंदिर के दरवाजे की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ये दरवाजे स्वर्ण मंडित होंगे, दरवाजे में सोना जड़ा होगा। दिल्ली से आए हुए कारीगर इस काम को पूरा कर रहे हैं, सोना मढ़ने में लगे हुए हैं वो सभी दरवाजों पर। और ये दरवाजे किस तरह के होंगे उसका लुक भी सामने आ चुका है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पर ऐसे 14 दरवाजे लगाए जाएंगे जो कि स्वर्ण मंडित होंगे।
अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी बड़े ही धूमधाम से चल रही है। 22 जनवरी को रामलला अपने गर्भगृह में विराजेंगे, लेकिन उसके पहले भगवान राम ने कर्नाटक के मैसूर में दरबार लगा दिया है। इस दरबार में माता सीता, भाई लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ उनका पूरा दरबार शामिल है। पहली बार ऐसा हुआ है जब भगवान राम का दरबार डॉल म्यूजियम में शोभा बढ़ा रहा है। ये दरबार काशी के काष्ठ कला पर बनाया गया है जो कि बेहद आकर्षक है। आपको बता दें, मैसूर में देश का छठवां डॉल म्यूजियम खोला गया है, जिसमें देश में निर्मित सभी खिलौनों के बीच राम दरबार को भी स्थापित किया गया, जो काफी खूबसूरत और यूनिक है। जितनी भी राम के संबंधित प्रतिमाएं, राम दरबार हुआ, रावण का मुखौटा हुआ, भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप हुआ, गरुण हुआ, जितनी भी रामायण की 42 सीन्स हुए, राम सेतु निर्माण, लक्ष्मण शक्ति, रामेश्वरम पूजा, तो हम लोग का ये पिछले हम लोग 2 साल से इस पे मेहनत कर रहे थे और बहुत ही खुशी है कि हम लोग ने इसको कामयाब हो पाए और अब वहाँ पर सज गया और इसी दशहरा में वहाँ उसका उद्घाटन हुआ है। 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, लेकिन उसके पहले मैसूर में भगवान राम का दरबार लगने जा रहा है। इस दरबार में माता सीता, भाई लक्ष्मण और हनुमान भी साथ में होंगे। दरअसल मैसूर में देश का छठा डॉल म्यूजियम बनकर तैयार हो गया है। इस डॉल म्यूजियम में तमाम खिलौनों के साथ साथ बनारस के काष्ठकला पर उकेरा गया राम का दरबार भी अब सुसज्जित हो रहा है। इस दरबार में माता सीता, भाई लक्ष्मण, हनुमान जी के साथ तमाम वो दरबार के लोग शामिल हैं जो भगवान राम के दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। और रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक नीता अंबानी ने मुंबई में अपना 7वां जन्मदिन गरीब और वंचित बच्चों के साथ मनाया। नीता अंबानी ने न सिर्फ इन बच्चों के साथ अपने जन्मदिन का केक काटा, बल्कि 3000 से ज्यादा गरीब और वंचित बच्चों को अपने हाथ से खाना भी परोसा। नीता अंबानी ने अन्न सेवा के बाद बच्चों को तोहफे दिए। उन्होंने कहा, बच्चे और महिलाएं उनके दिल के सबसे करीब हैं। और अटावा में पुलिस ने महिला को धमकाने और फायरिंग करने के मामले में पूर्व प्रधान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार प्रधान आदेश यादव के कब्जे से एक तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।